कंगना रनौत के लिए फिर से खड़ी हो गई है कंट्रोवर्सी। मणिकर्णिका के को डायरेक्टर क्रिश का कहना है कि 70% फिल्म कंगना ने डायरेक्ट की है। क्रिश सेड, इट्स बुलशिट, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, वी स्टार्टेड द फिल्म, शॉट द फिल्म, नाउ इट्स हर्टिंग मी एक्चुअली। ही फर्दर एडेड, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मणिकर्णिका 20-25% फिल्म हैज बीन शॉट बाय कंगना रनौत, व्हाइल इन द सेकंड हाफ ओनली 10% वाज शॉट बाय हर। इस पूरे मामले में पूजा भट्ट ने कंगना के अगेंस्ट ट्वीट करते हुए कहा, This is so wrong on every level. This is not the industry I was born to and not the industry I wish to inherit. Eventually, it is the credit we work for. Money comes and money goes. The first rule of filmmaking is to acknowledge people's contribution. इस पर अपूर्व असरानी ने उन्हें दोबारा ट्वीट करते हुए कहा, Thank you for finally acknowledging this. I had yearned for your support when she did this to me 2 years ago too. But still, I am happy to see the condemnation from you. हम आपको बता दें कि अपूर्व असरानी ने कंगना पर सिमरन की रिलीज से पहले इल्जाम लगाया था कि फिल्म उन्होंने लिखी थी, पर एंड मोमेंट पर कंगना ने उन्हें बाहर निकलवा दिया था। पूजा ने फिर से अपूर्व को रिप्लाई करते हुए कहा, आई एम सॉरी इफ इट सीम लाइक आई वॉज बींग रेटिसेंट विद रिगार्ड्स टू माई सपोर्ट देन। द डिटेल्स ऑफ दैट सिचुएशन इवन दो स्पेल्ड आउट बाय ऑल सीन मर्की टू मी, व्हिच इज व्हाई आई डिड नॉट जंप इन, दो आई ऑलवेज मेंटेन दैट हंसल्स साइलेंस फेल्ट ऑड एंड रादर अनजस्ट। अपूर्व ने फिर लिखा, हर गेम इज ब्रूटल, She first plays the victim and wins your trust. You give your all, sacrifice all other work because she seems lovely. Then when you are ready with a film you nurtured or created, she has thrown you out. Then she uses the press and trolls to character assassinate you. Pooja hi nahi, balki filmmaker Vijay Nambiar ne bhi Pooja ke tweet ko retweet karte hue kaha, This is just heartbreaking to watch. No one should have to go through something like this. After Simran and Apoorva Asrani's episode, this is the second time someone is calling her out. Earn your credit and give credit where it's due, Kangana Ranaut. आपका क्या कहना है इस पूरे एपिसोड के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।